तो इस वक्त मैं हूँ मीना बाज़ार में, जो कि बर दुबई में बनी यहाँ की एक शॉपिंग मार्केट है। ये एक रिटेल शॉपिंग मार्केट है और यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कपड़े, जूते, परफ्यूम्स, एक्सेसरीज, वॉचेस और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, और यहाँ पर चीज़ें काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिलती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं मीना बाज़ार को। मीना बाज़ार बर दुबई में बनी एक शॉपिंग मार्केट है। कपड़े, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम, वॉचेस और लेदर आइटम की शॉपिंग के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मार्केट है। सो वाइल वॉकिंग इन मीना बाजार, कई लोग आपको सामने से अप्रोच करेंगे टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, खास करके वॉचेस, बेल्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ें, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों को सेल करने के लिए आपको अप्रोच करेंगे। फिर वो अपने शॉप पे लेके जाके आपको दिखाएंगे। इफ़ यू रियली वांट टू परचेस, दिस इज़ वेरी गुड प्लेस टू परचेस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वॉचेस, परफ्यूम्स जैसी चीज़ें। बट अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, प्लीज़ इंश्योर टू बार्गेन, बिकॉज यहाँ पे प्राइस पहले थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, और अगर जब आप बार्गेनिंग कर रहे हैं तो वही चीज़ आपको काफ़ी सस्ते प्राइस में मिलती है। यहाँ पर मेन रोड पर बनी दुकानों के साथ साथ गलियों में बनी दुकानों को भी मिस ना करें, क्योंकि वहाँ पर भी कई सारी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। सो दैट वॉज मीना बाजार शॉपिंग मार्केट इन बर दुबई। काफ़ी बड़ी थी, बहुत ही सारी चीज़ें मिलती थी और बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रही थी। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर दुबई म्यूजियम। दुबई म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के बाद मैं यहाँ की अगली शॉपिंग मार्केट में जाऊँगा, जो कि डेरा दुबई में गोल्ड सुक और उसके आसपास में बनी है। दुबई म्यूजियम बर दुबई में मीना बाजार के पास बने अल-फहीदी फोर्ट में बना है। अल-फहीदी फोर्ट को 1787 में बनाया गया था और ये दुबई का सबसे पुराना बिल्डिंग है। इस म्यूजियम में जाने के लिए महज 3 दिरहम एंट्री फीस चुकानी होगी। इस म्यूजियम में प्राचीन दुबई के रीति रिवाज, उस टाइम के आर्किटेक्चर, तब इस्तेमाल होने वाली चीजें और उस जमाने के लोगों की लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट किया गया है। इस म्यूजियम को 1971 में बनाया गया था। इस म्यूजियम को खास करके यहाँ के एंशियंट और ट्रेडिशनल लोग, उनकी लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस वक्त के व्यापार करने का तरीका, खाना पीना, मसाले जैसे और कई प्राचीन चीजों से नई जनरेशन को रूबरू करने के लिए बनाया गया था। ये करीब 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में बना है। तो दैट वाज़ दुबई म्यूजियम। अब मैं जा रहा हूँ डेरा दुबई में बनी दूसरी शॉपिंग मार्केट में, यहाँ पे गोल्ड सुक और इसके आसपास बनी कुछ और शॉपिंग मार्केट है। म्यूजियम से थोड़ी ही दूर क्रीक है, जहाँ से बाय बोट आप डेरा में जा सकते। ये क्रीक पुराने और नए दुबई के बीच में बनी है, जिसे डेरा दुबई और बर दुबई कहा जाता है। ये बोट, जिसे यहाँ पर आबरा कहा जाता है, ये बर दुबई मीना बाजार से डेरा दुबई आने जाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है। इसकी टिकट महज 1 दिराम है और इसमें 5 मिनट का वक्त लगता है। यह है स्पाइस सूप और हर्ब्स, यानी कि स्पाइसेस, मसालों और हर्ब्स की मार्केट। यहाँ पर यहाँ के ट्रेडिशनल मसाले, हर्ब्स, ड्राई फ्रूट्स और केसर जैसी कई चीजें मिलती है। इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सेशन कम होने के कारण दुबई में सब चीजें बहुत ही सस्ते दाम में मिलती है। यहाँ पर ऐसी कई सारी मार्केट्स बनी है, जैसे गोल्ड सुक, टेक्सटाइल सुक, कार्पेट सुक, मैट्रेस सुक और भी कई सारी। अब मैं पहुंच गया हूँ गोल्ड सुक, जो कि देरा में है और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट्स में से एक है। अरेबिक में सुक का मतलब होता है मार्केट, यानी कि यहाँ पर जिस चीज़ की भी मार्केट होती है उसके नाम के साथ सुक लगाया जाता है, जैसे गोल्ड सुक, टेक्सटाइल सुक, फैब्रिक सुक, स्पाइस सुक और बहुत सारी मार्केट्स है। गोल्ड सुक दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है,
यहाँ पर 400 से भी ज्यादा ज्वेलरी शोरूम्स बने हैं और दुनिया के कई वेल नोन ब्रांड्स के शोरूम भी है। यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और डायमंड ज्वेलरीज के कई ऑप्शंस मिलते हैं और यहाँ आने वाले टूरिस्ट यहाँ से बड़ी मात्रा में ज्वेलरी शॉपिंग भी करते हैं। अब वक्त है यहाँ की सबसे एक्साइटिंग और एडवेंचरस डेजर्ट सफारी में जाने का। डेजर्ट सफारी के लिए आपको करीब 4 बजे पिकअप करके दुबई से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर रेड सैंड डून्स में लाया जाता है, जहां पहले सैंड डून्स में करीब 20 मिनट तक 4x4 एसयूवी कार में बहुत ही थ्रिलिंग राइड कराई जाती है, जो कि बहुत ही रोमांचक होती है और इसमें थोड़ा डर भी लगता है। डेजर्ट सफारी वॉज रियली फन, इट वॉज वेरी वेरी एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग राइड। डेजर्ट सफारी के बाद अब वक्त है ऊंट की सवारी करने का। डेजर्ट सफारी के बाद यहाँ कैमल सफारी, एटीवी राइड्स जैसे और भी कुछ ऑप्शंस हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। ऊंट की सवारी करने में बहुत मजा आया, बिकॉज जब आप डेजर्ट में ऊंट की सवारी करते हैं, इट वॉज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और बहुत मजा आया। यहाँ पे पहले आपको लाते हैं जहाँ पे डेजर्ट सफारी की एक एडवेंचरस थ्रिलिंग राइड होती है, उसके बाद कैमल राइड। अब वक्त है यहाँ पे कुछ खाने पीने का और ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करने का और लास्ट में डिनर। तो ये स्पेशल अरेबिक स्वीट। गुड, लेट्स अरेबिक टी। सफारी के बाद यहाँ पर बने कैंप्स में कुछ ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस किए जाते हैं, जैसे कि बेली डांस, तनुरा शो और फायर शो, और यहीं पर बहुत ही डिलीशियस डिनर भी सर्व किया जाता है। यहाँ पर डिनर में लिबनीज, इंडियन, चाइनीज जैसे कई सारे वेज और नॉन वेज ऑप्शन सर्व किए जाते हैं। ये तीनों परफॉर्मेंसेस सच में बहुत ही जबरदस्त थे। डेजर्ट सफारी का मेरा सफर बहुत ही एक्साइटिंग रहा और साथ साथ मैंने यहाँ के सभी परफॉर्मेंसेस और डिनर को भी बहुत एंजॉय किया। अब वक्त है इस सफर का अंत करके वापस जाने का।